लेडीज जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन शर्मा और हम बात कर रहे हैं पीएमआईएस की। जिस तरीके से पीएमआईएस चल रहा है, पीएमआईएस के हमारे पास इतनी बेहतरीन टीम्स आई हैं, उन टीम्स ने एक अलग टाइप का कंपटीशन डोमिनेशन दिखाया। बट एक नाम है जो अपने आप को एक तरीके से सेकंड टाइम एस्टैब्लिश करने के लिए पीएमआईएस में आया। हम बात कर रहे हैं गॉड एक्स की। तो मेरे साथ गॉड एक्स के कुछ प्लेयर्स एंड इनके साथ हम बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या गुड्स एंड बैड्स हुई, इनकी क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स रहे हैं एंड किस तरीके से टीम फॉर्म हुई। तो गाइस, बिफोर वी जस्ट बिगिन विद ऑल द क्वेश्चंस, व्हाई डू यू गाइस जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। हेलो गाइस, माय नेम इज वरद करतम, माय आईजीएन इज गॉड एक्स ब्लेजिंग, आई प्ले फॉर टीम गॉड एक्स एंड माय रोल इज असॉल्टर एंड माय फेवरेट लोड आउट इज एन M4 विद फुल अटैचमेंट एंड M762 विद लाइन ग्रिप। गाइस, माय नेम इज नवील खान, माय इन गेम नेम इज God X Pardhan and my favorite loadout is any कोई भी sniper and M4 with full attachment and my role is filter and support player. Hello guys, my name is Mukul Anchal and my in-game name is God X Mafia and I play for team God X and my favorite loadout is AKM and M4. देखिए टीम जो बनी, टीम फॉर्मेशन कैसे हुई, बिकॉज ब्लेजी को मैं पहले से जानता हूँ, ब्लेजी ने पहले अपने बहुत अच्छे गेम प्लेस दिखाए हैं एंड जो दक्ष है, दक्ष भी पहले गॉड्स रेन के लिए थे, आप अलग, तो ये टीम एक तरीके से फॉर्मेशन कैसे हुई? मेरा कोई प्लान नहीं था खेलने का, बिकॉज ऑफ सम रीजंस मेरा ये टूर्नामेंट खेलने का प्लान नहीं था, बट दक्ष ने अप्रोच किया कि खेलते हैं, पर मैंने फिर भी मना किया, पर उसने बोला कि चल एक ट्राई देते हैं, चल थोड़ी प्रॉब्लम थी उसने एज अ ब्रदर शॉट की वो चीजें एंड रिस्क से किया, फिर धीरे 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 कोऑर्डिनेशन बैटर बहुत अच्छा जा रहा है अभी। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी कॉल्स किस टाइप से मैटर करती हैं, जब टीम में आपको कॉल्स देनी है, फिर कभी कुछ मैचेस हों जिसमें जिसके अंदर कि आप अकेले बचे हैं, तो टीम का कोऑर्डिनेशन और अपना कोऑर्डिनेशन आप कैसे बिठाते हैं? मेरा मेन रोल IGL का था, तो मेरे को जो बाकी के रोल्स है उनमें इतना वो यूज टू नहीं हूँ मैं, सो मुझे अपना अपने को उस रोल्स में बिठाने का अभी तक बहुत ट्राई कर रहा हूँ अपने लिए, और कहाँ पे एनिमीज है कौन से दक्ष अब IGL कर रहा है, सो बाकी रोल्स में मुझे अपने आप को बिठाना पड़ेगा। अभी जितनी भी हमने टीम बाकी देखी है, कुछ टीम्स एक साल से ग्राइंड कर रही है, कुछ टीम्स जो 6-7 महीने से ग्राइंड कर रही है, आपकी टीम 3 महीने पहले बनी है, तो टीम सिनर्जी कैसे बिठाई गई आप लोगों? हम फाइट्स लेते थे, 4v4s लेते थे कि हमें पता चले कि हाँ कौन कहाँ लैग कर रहा है, कौन किस में अच्छा है, कौन 1v1 में अच्छा है, किसको सपोर्ट की जरूरत है, फिर हम वैसे सिनर्जी बिल्ड हुई हमारी। जैसे बाकी टीम्स है, मान लीजिए TSM एंटिटी और जो नोन नेम्स है, अननोन नेम्स तो हमारे पास नए नए आ रहे हैं, बट जो नोन नेम्स है उसके आपको उनके जैसे अगेंस्ट आपको गेम खेलना होता है, तो वो आपको किस तरीके से एक बूस्ट देता है? बूस्ट हमारे बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है एंड हम कभी ब्लेम गेम नहीं खेलते, जो गलतियां हैं सॉर्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ लॉबी में बैठ के, जहां पे भी डिस्कशन होता है। हमने नोन टीम्स की बात करी, बट कोई अननोन नेम है जो आपको एक तरीके से लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा बढ़िया खेल रहे हैं, कोई अननोन टीम का नाम अगर आपके माइंड में हो? अननोन टीम एज ए क्रू स्पोर्ट्स जो हमारे ग्रुप में थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे वो लोग, उन्होंने भी हाईएस्ट स्किल उनके भी थे 34 आई थिंक, हमारे 33 थे एंड ऑरेंज रॉक के भी 34 थे, सो दे आर द टॉप रैगर्स इन ग्रुप डी। उनके साथ आपकी एंगेजमेंट होती है प्रधान, तो आप किस तरीके से उस एंगेजमेंट के उस फाइट को देखेंगे अगर आपकी लूप स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट फाइट होती है? हमारा स्ट्रेटजी अभी ये है कि अर्ली एंगेजमेंट अवॉइड करनी है, हमके लिए 5 दिन है, उनमें से हम 2 दिन आराम से गेम स्टडी करेंगे सबका, आराम से फैमिली, अननेसेसरी पुश तो हमारी साइड से नहीं आएगा। प्रधान आप इसे वापस से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिकॉज गॉड एक्स जिस तरीके से उभरी है, दक्ष के, ब्लेजी के, आपके, माफिया के, ऑलरेडी फैंस हैं प्रॉपर, एक बन चुका है, एक पूरा फैंडम बन जाता है, तो उन फैंस के लिए अगर आपके माइंड में कोई मैसेज हो, कुछ अगर आप बोलना चाहें? फैंस के लिए सपोर्ट करते रहो, अभी ट्राई कर रहे हैं अपना पूरा 100 देने का, मोस्टली PMIS की ट्रॉफी अपने हाथ में रहेगी। एंड अभी बहुत सारे लोग होंगे जो आपके मैचेस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो प्रधान के मैचेस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग माफिया के मैचेस देख रहे हैं, और वो आने वाले टूर्नामेंट्स में अपने आप को आपके एरिया पर देखना चाहते हैं, तो उनकी ग्राइंड के लिए अगर आप कुछ वर्ड्स बोलना चाहें? जब PMIT आया तब मैंने पहले राउंड में ही एक 1v4 किया, तो तब मुझे बहुत फेम मिला और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और सपोर्ट भी मिला, तो आप ट्रस्ट रखिए, आप ग्राइंड करो, आपको सक्सेस मिलेगी, सबका सपोर्ट भी मिलेगा। So, ये था पूरा का पूरा इंटरव्यू गॉड एक्स के प्लेयर्स से, हमने बात करी, जाना कि इनकी ग्राइंड किस तरीके से इनको आगे लेकर आए, हमने जाना कि इनकी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे, इनके लिए डोमिनेटिंग टीम्स क्या रहेंगे, इनके अप्स एंड डाउन्स क्या रहे हैं अभी तक। वेल जस्ट से ऑल द बेस्ट गाइस फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स एंड जिस तरीके से आप लोगों की ग्राइंड चल रही है, होपफुली जैसे प्रधान ने बोला मे बी PMIS की ट्रॉफी इस बार हमारे पास होगी, तो इसकी अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट उस ग्राइंड के लिए एक ही चीज बोल सकता हूँ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो।